उत्तराखंड के देहरादून में विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर पुलिस ने सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी है। वहीं एसएसपी जनमजय खंडूरी ने फोर्स की ब्रीफिंग कर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश दिए। आज देहरादून पुलिस लाइन में सत्र की सुरक्षा को लेकर ब्रीफिंग की गई, जिसमें एसपी सिटी सरिता डोभाल सहित तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। वहीं एसएसपी जनमजय खंडूरी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए 2 एसपी, 6 एडिशनल एसपी, 16 सीओ और 80 दरोगा और 500 कांस्टेबल को तैनात किया गया है। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी रिजर्व में रखा गया है, जिसे जरूरत पड़ने पर डिप्लोमेट किया जाएगा। बताते चले कि देहरादून विधानसभा में कल से 2 दिवसीय शीतकालीन सत्र है, जिसके चलते पुलिस ने सभी तैयारियां यहाँ पर पूरी कर ली है। तो खबर उत्तराखंड से है, जहां पर अब शीतकालीन सत्र को लेकर के यहां पर पूर्णतः तैयारियां देखी जा रही है। उत्तराखंड पुलिस द्वारा ये हर तरह से चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, फिर चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना हो या फिर कोई भी अन्य चीज, उन सभी के मद्देनजर यहाँ पर पुलिस काफी सतर्क नजर आ रही है। उनके द्वारा यही कोशिश की जा रही है कि किसी भी हालात में किसी भी तरह से अव्यवस्था यहाँ पर ना हो, सारी चीजें व्यवस्थित हो, इसके लिए पूर्णतः पुलिस तैयार दिख रही है। देखिए, चूंकि कल से विधानसभा सत्र की ड्यूटीज हमारी रहेंगी, 2 दिन का अभी तक विधानसभा सत्र है जो कि हमें बताया गया है, तो उसके लिए हमारी ड्यूटी सुबह से ही लग जाएंगी। जो हमारी ड्यूटीज है उसमें 2 एसपी रैंक के अधिकारी हैं जो कि अंदर और बाहर के प्रभारी रहेंगे। विधानसभा के अंदर 1 एसपी रहेंगे, 1 एसपी विधानसभा के बाहर रहेंगे। इसके अलावा 6 एडिशनल एसपी, 15 सीओज, 16 इंस्पेक्टर, लगभग 80 सब इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी है। इसके अलावा लगभग 500 कांस्टेबल्स और 2 कंपनी पीएसी इस दौरान हमारी लगी हुई है। देखिए, चूंकि कल से विधानसभा सत्र की ड्यूटीज हमारी